नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भरतपुर में आज दो परीक्षाएं आयोजित की गई, जिसमें सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा आयोजित की गई। 3 बजे से 4:30 पर CHO की परीक्षा आयोजित की गई। CHO की परीक्षा खत्म होने के बाद बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की काफी भीड़ देखने को मिली। अभ्यर्थी बस की खिड़कियों से चढ़ते हुए नजर आए। सीट के चक्कर कई अभ्यर्थियों में झड़प तक हो गई। भरतपुर डिपो और लोहागढ़ डिपो की पूरी व्यवस्थाएं फेल नजर आई। आज सुबह पहली पारी में 10 बजे से 12 बजे तक कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा हुई, जिसमें 14,352 अभ्यर्थियों को पेपर देने के लिए आना था, उसमें 6,637 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। इसके बाद दूसरी पारी में CHO की परीक्षा आयोजित की गई, जो 3 बजे से शुरू हुई, 4:30 तक चली। CHO का पेपर 12,935 अभ्यर्थियों को देना था, 10,328 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया। CHO का पेपर छूटने के बाद बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की काफी भीड़ नजर आई। अभ्यर्थी सीट मिलने की होड़ में खिड़कियों से चढ़ते हुए नजर आए। सीट के लिए अभ्यर्थियों में झड़प तक हो गई। सबसे ज्यादा अभ्यर्थी अलवर, धौलपुर, करौली, जयपुर से आए। एग्जाम सेंटर पर अच्छी तरीके से एग्जाम हो, लेकिन क्या बसों की व्यवस्था थोड़ी खराब है। हाँ। तो बच्चे परेशान हो रहे हैं और यहाँ पे रात को रुकने की व्यवस्था भी नहीं है। पर क्या करके हमारे कहाँ से आए हो? लालपुर से आया, थाना तहसील से। क्या नाम है तुम्हारा? नाम से क्या मतलब, आप तो काम करो ना। नाम से क्या मतलब, काम से मतलब हमें तो काम करो। हम दूर से, बहुत दूर से आए परेशान हो रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, उसके बावजूद यहाँ के ये हालात है।